हर एक पार्ट से मैं 3 से 4 लाइन बोलूंगी। रॉक आर्ट का, फिर आएगा इंदूस वैली सिविलाइजेशन का, कब आया, क्या फेमस है, किसने किया, ऐसे ही टाइप का रहेगा। ठीक है, तो इस 3-3 पॉइंट को आपके बुक में 1-1 पेज का है, कोई कोई फिर से 20-30 लाइन का है, उतना नहीं चाहिए, हमें 3 से 4 लाइन चाहिए, एरो मार्क करके लिखना है आपको एग्जाम में। तो ये फर्स्ट रॉक आर्ट किसने डिस्कवर किया, आर्किवाल्ड कार्लिल, कार्लिल, ठीक है, आर्किवाल्ड कार्लिल, नाम याद रहा। 18th सेंचुरी में किसने फर्स्ट टाइम एस्थेटिक पॉइंट को याद किया था या फिर ओरिजिनेट किया था, बताओ फटाफट। अलेक्जेंडर वुमगार्डन। ओके, नेक्स्ट 18th सेंचुरी में ओरिजिनेशन ऑफ आर्ट किसने किया, ई से नाम है, बोलो बोलो फटाफट, एडमंड बुर्क, एडमंड बुर्क। अभी थर्ड नेम आ रहा है रॉक आर्ट, इंडियन आर्ट के अंदर जो फेमस आर्ट है उसमें थर्ड नेम आया आर्किवाल्ड कार्लिल, आर्किवाल्ड कार्लिल, सॉरी ये फोर्थ नेम है। 1990s में एस्थेटिक डायमेंशंस का जब स्टार्ट हुआ उसमें एक पर्सन था जर्जन, जर्जन स्मिधुवर, स्मिधुवर। ओके, ये 3 नेम हमने कंप्लीट कर लिया है, ये फोर्थ नेम है, इस चैप्टर का फोर्थ नेम है रॉक आर्ट किसने डिस्कवर किया, आर्किवाल्ड कार्लिल ने इन 1899। ठीक है, और नाम आ गए जे कॉक बर्न, यहाँ पे देखो यहाँ पे ना COCR है बट आर प्रोनाउंस नहीं होगा, ओनली कॉकबर्न बोलोगे, कॉकबर्न। ठीक है, जे कॉकबर्न केम टू लाइमलाइट, लाइमलाइट मतलब क्या होता है, सबके नजर में आना। ठीक है, लाइमलाइट मीन्स सबके नजर में आना, जस्ट लाइक ये मॉडल ना आज यहाँ पे लाइमलाइट पे आ गई, ये एक्ट्रेस आज लाइमलाइट पे है, ये हरनाज सिंधु यहाँ पे है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो दैट मीन्स सबके सामने आना। ठीक है, तो जे कॉकबर्न केम टू लाइमलाइट विद दिस आर्ट। ठीक है, डिस्कवर्ड किसने किया, आर्किवाल्ड कार्लिल ने, बट फेमस किसने करवाया, जे कॉकबर्न ने। फिर नेक्स्ट आया डॉक्टर वी एस वाकंकर, वाकंकर, डॉक्टर वी एस वाकंकर डिस्कवर्ड पेंटेड रॉक प्रिंट्स, मतलब छोटे छोटे रॉक्स को ले आओगे एंड उसमें ना जस्ट लाइक हम उसमें क्या करेंगे, खुदाई करके प्रिंट्स बनाएंगे इम्प्रिंट्स करने के लिए, जस्ट लाइक साड़ी में डिजाइनिंग हो गया, कोई प्लास्टिक बोटल्स में हो गया या कंटेनर में हो गया, तो वो सब के लिए, तो ये हो गया। इसको बोलते थे, इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, कार्विंग्स एनग्रेविंग्स और पेंटिंग्स, हो गया 3 लाइन में खत्म। नाम आएंगे बुक में, और नाम थे जो इंपॉर्टेंट है, जितना लिख सकते हैं उतना मैंने दिया है। इंदूस वैली सिविलाइजेशन में देखो, इंदूस वैली सिविलाइजेशन कितना पुराना सिविलाइजेशन है, 5000 BCE टू 1500 BC, जस्ट हम BCE का अगर आगे की तरफ आ रहे हैं, मतलब कमते जा रहा है जो नंबर है वो कम हो रहा है, दैट मीन्स हम आगे की तरफ आ रहे हैं, मॉडर्न की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, 5000 BCE टू 1500 BCE, तो इस पीरियड में लार्ज स्केल आर्ट, मतलब बड़े बड़े आर्ट बनाए गए हैं एंड बहुत सारे मूर्ति बनाए गए हैं, ये पीरियड ऐसा है। तो देखो इस टाइम पे ना कुछ कुछ आर्ट बहुत फेमस था, टेराकोटा आर्ट, गोल्ड ज्वेलरीज आर्ट, मतलब गोल्ड, हम लोग जैसे अभी के टाइम पे नेकलेसेस पहनते हैं या फिर गोल्ड ज्वेलरीज, जो इयररिंग्स होते हैं, कुछ भी हम जैसे चूड़ी हो गए, बैंगल्स हो गए, जो भी ब्रेसलेट्स हो गए, घड़ी हो गए, सब होते हैं ना, वैसे उस टाइम पे भी था, घड़ी तो नहीं था बट बाकी सब ज्वेलरीज बहुत आते थे गोल्ड के। टेराकोटा आर्ट, दैट इज जस्ट लाइक आर्ट ऑफ मंकीज, डॉग, स्टोन फिगरिंग्स, स्टोन फिगरिंग्स मीन्स स्टोन को कट करके फिगर्स बनाना, मूर्ति बनाना, वैसे टाइप का। ठीक है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल्स, जैसे मैंने बोला था इंदू सिविलाइजेशन में हरप्पा मोहनजोदारो उस पीरियड में क्या आएगा, वो उस टाइम पे ना बहुत सारे फिगर्स बनाए जाते थे, योगा पोजेस बनाए गए हैं, जैसे अभी अच्छा योगा पोजेस हो गए या फिर जस्ट लाइक एक जगह पे सब काम करें, उस सभ्यता के बारे में बताया गया है। तो ऐसा चीज कहाँ पे देखे हैं आप लोग, उड़ीसा में कहाँ पे देखे हो बताओ, जो फेमस है वॉल एनग्रेविंग्स में हुआ है, कोणार्क टेम्पल्स, राइट, कोणार्क टेम्पल में हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ छोटा मोटा पुरी में भी है बट कोणार्क इज फेमस फॉर दिस, सो ये सब आ गए आपके इसमें। ठीक है, तो इस टाइप का इंदूस वैली सिविलाइजेशन पीरियड में बहुत ही फेमस था, उस टाइम पे बहुत बनाए गए थे। अभी देखो नेक्स्ट आ जाता है, फिर आ गया मौर्यन आर्ट, मौर्यन आर्ट, अभी मौर्यन आर्ट 340 BC टू 232 BC, अभी इसका ना दो पार्ट है, एक नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडियन मौर्यन आर्ट और एक हो गया अशोका पीरियड।
अशोका पीरियड, नॉर्थ इंडियन मौर्यन पीरियड, ये फ्लोरिस्ट हुआ, मतलब जस्ट लाइक ग्रो करना, ठीक है, ग्रो कब किया, कौन से पीरियड में, 322 टू 185 बीसी। अशोका पीरियड मतलब अशोका का शासन कब तक था, नियर अबाउट 40 ईयर्स ऐसे ही पीरियड तक चला, एंड ये एंड हो गया 232 बीसी में। सो अभी अगर नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो ये पता है आपको, साउथ सब कॉन्टिनेंट जो भी है वहाँ से लेके इंडिया में आधा से ज़्यादा जगह तक ये पूरा फैला हुआ था, ग्रो किया था। एंड यहाँ पे कौन आया जो इंट्रोड्यूस करवाया और भी इसके आर्ट को, इसको ग्रो करवाया, पर्शिया, पर्शिया, ठीक है, पर्शिया। अभी देखो अशोका पीरियड में अशोका बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, आध्यात्मिक जो बोलते हैं ना, या फिर हम जैसे किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, वन काइंड ऑफ हम भक्ति जो दिखाते हैं, तो वो किसके भक्त थे, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, तो उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट के क्या बनाए, छोटे छोटे स्तूपस बनाए, स्तूप जानते हो ना, देखे हो टोल स्तूप, हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धिस्ट जो एजुकेशन था उस टाइम पे भी, तो उस टाइम पे वैसे बुद्धिस्ट के पिलर्स बनाए, बुद्धिस्ट के टेंपल्स बनाए, स्तूपस बनाए, एंड ये सब चला। उस टाइम पे टेराकोटा भी था एंड प्लस ऐसे स्टोन फिगरिंग्स भी था। अभी देखो बुद्धिस्ट आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट जो भी अशोका में हमने पढ़ा ना, क्या क्या मिलता है वही सब लिख देना। एंड ये 1 CE टू 500 CE पीरियड था, एंड इस टाइम पे अजंता, भज, करले, ये सब एरिया था जहाँ पे आर्ट बहुत फेमस था। आइकॉनिक फिगर्स ऑफ बुद्ध, बुद्ध सबसे ऊपर थे, वहाँ के गॉड जैसे माना जाता था, तो उनके फिगर्स को, बड़े बड़े फिगर्स को बनाया जाता था बुद्धिस्ट आर्ट में। अभी देखो गुप्त आर्ट, गुप्त आर्ट में 320 CE टू 550 CE, एंड इस पीरियड को क्लासिक पिक पीरियड बोला गया है, नॉर्थ इंडियन आर्ट का क्लासिक पिक पीरियड, मतलब जब बोला जाता है ना उच्च स्तर पे रहना या फिर ऊंचे स्थान पे रहना, तो क्लासिक पिक पीरियड रिमार्क एज गोल्डन एज, इसको बोला गया गोल्डन एज, ठीक है। सो इतना करना, एंड इस पीरियड में हिंदू आर्ट से लेके बुद्ध आर्ट, जैन आर्ट सब कुछ था गुप्त आर्ट में, ठीक है। एंड इसमें दो मतलब पार्ट आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उस टाइम के, स्टेट नहीं बोल सकते, दो जगह थे, मथुरा एंड मतलब मथुरा एंड गंधर्व, मतलब ये दो जगह में बहुत ही ज़्यादा आर्ट का कल्चर होता था। इतना करोगे, बाकी का जो पॉइंट है ना, एक दो लाइन क्या लिखना है बताओ, बहुत लिख लिया हमने, तो यहाँ पे लास्ट में मॉडर्न आर्ट लिखोगे, जस्ट लाइक एजुकेशन में जैसे फिलोसॉफी में किए थे ना मॉडर्न एजुकेशन, वैसे मॉडर्न आर्ट। तो अभी का, अच्छा एक फेमस आर्ट बताओ अभी का, अभी का सबसे, अभी का मतलब पुराना ही है, ब्रिटिश पीरियड का ही है, कौन सा ड्राइंग बहुत ज़्यादा फेमस है, जानते हो आप लोग, सबको जीके का क्वेश्चन है, सबको पता है, बोलो बोलो, हाँ मोनालिसा आर्ट, उसके बारे में एक दो लाइन लिखना। एंड इंडिया का जो आर्ट है ना वो वास्ट है, तो इंडियन आर्ट के बारे में आ तो आप टाइप्स ऑफ आर्ट पढ़ चुके हो पहले ही, उसको थोड़ा सा लिख देना, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा और नहीं लिखना है, बुक में और नहीं जाना है, इतना करोगे तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अभी देखो और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया, रस प्रिंसिपल, रस, रस मीन्स क्या पता है, भाव, ये रस जो वर्ड आया है दैट इज नॉट रासा प्रिंसिपल, रस प्रिंसिपल, रस जो आप बोलते हो ना, हर एक चीज में तत्व हैं, रस हैं, जो आर्ट हैं आप बोल रहे हो, जो फीलिंग्स हैं, एक्चुअली फीलिंग्स, भाव, तो आप जो मुद्राएं करते हो, जो भी डांसिंग फॉर्म्स में मुद्राएं आती हैं, जैसे कि मैं किसी चीज़ को देख के शौक हो गए, तो उस टाइम पे कौन से मार्क बैठते हैं, जस्ट लाइक मुझे क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन मार्क बिठाया, मुझे कोई क्वेश्चन को एंड, कोई भी स्टेटमेंट को एंड करना है तो फुल स्टॉप बिठाया, अगर मैं कोई चीज़ को देख के अमेज्ड हूँ या फिर शॉक हूँ, तो उस टाइम पे कौन सा मैं पंचुएशन मार्क दूंगी, कौन सा दूंगी, एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, तो ये जो डिफरेंट टाइप के हम लोग जैसे पंचुएशन मार्क्स यूज करते हैं, वैसे हमारे फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्या आते हैं, ऐसे भाव है, रस है, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना। रस क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ रस इज अ फंडामेंटल टू मेनी फॉर्म्स ऑफ इंडियन आर्ट, मतलब इंडियन आर्ट को अगर एक्सप्लेन करना है ना, किसी भी एक आर्टिस्ट को पूछ लो इंडियन आर्ट के बारे में, वो डिफरेंट भाव को दिखाएगा, भाव, फीलिंग्स को दिखाएगा, जस्ट लाइक डांस टू ड्रामा, पूरा
डांस से लेके ड्रामा तक सारी चीजों को बताएगा। ये बोला जाता है ना टेस्ट ऑफ फ्लेवर, इंडिया में जैसे मसालों के टेस्ट होते हैं ना, वैसे ही आर्ट के हजार टेस्ट हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अभी मैं भाव कुछ बोलूंगी जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है ना, आप अगर एक दिन परफ्यूम ना लगा के जाओ तो कैसा फील आएगा आपको, ही लगेगा कि अरे मैं हाइजीनिक नहीं हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे। वैसे ही सेम थिंग अगर इंडिया को विदाउट आर्ट रखा गया तो उसका एसेंस खत्म हो जाएगा। सो दैट एसेंस बेस्ड ऑन फीलिंग्स, तो उसी फीलिंग्स को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो फीलिंग्स स्टार्ट होते हैं यहाँ से आपके, देखो भाव एंड रस, ये पूरे टोटल 9 रस हैं, ठीक है, 9 भाव हैं। फर्स्ट श्रृंगारम, जिसको हम बोलते हैं श्रृंगार करना, ठीक है। श्रृंगार मतलब क्या है बताओ, लड़कियां बहुत जानती हैं, लव अफेक्शन, और इसको बोलते हैं सजना सवरना। ओके, जस्ट लाइक मैं सजना पसंद करती हूँ, तो दैट मीन्स मुझे लव है उससे, कि मैं थोड़ा मेकअप करूँगी या फिर मैं थोड़ा सा खुद को ग्रो करूँगी, जस्ट लाइक मैं मॉडिफाई करूँगी, मेकओवर करूँगी, तो मैं और ज़्यादा सुंदर दिखूँगी। ऑलवेज मेकअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एक टाइप का कैरेक्टर बिल्डिंग और कैरेक्टर को भी आप श्रृंगार में डाल सकते हो, कि ये आपके जो बॉडी है उसको एक मॉडिफाई करता है, आपका हार्ट को मॉडिफाई करता है, तो आप एक सुंदर नारी दिखते हो या फिर नर भी दिख सकते हो, लड़के जो भी हैं। तो सारे लोग जितने भी ह्यूमंस हैं ना, खुद को सुंदर दिखने के लिए सब तरह का श्रृंगार यूज़ करते हैं। तो अभी लव अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस इट इज़ फोकस्ड ऑन लव ब्यूटी एंड ऑपोजिट सेक्स पार्टनर फीलिंग्स, ठीक है, समझ आ गया। अभी जस्ट लाइक फीमेल्स ऑलवेज ट्राई टू क्या करते हैं, ट्राई टू अट्रैक्ट मेल्स, मेल्स ऑल्सो ट्राई टू अट्रैक्ट फीमेल्स, इतना ही चलता है। तो वो उसी के लिए श्रृंगारम हमारा चलता है, एंड ये कल्चर में ही प्रेजेंट है। दूसरा आते हैं, दूसरा भाव है, ये पहला हो गया, सीक्वेंस में ही लिखना है आपको, पहला आ गया श्रृंगारम, दूसरा आ गया हास्यम, हास्यम मतलब हंसना, ठीक है, कॉमेडी, ये वन काइंड ऑफ कॉमेडी कहते हैं। सो कॉमेडी मतलब हम लाफ्टर, जिससे बहुत खुल के हंसते हैं हम लोग, खिलखिलाते हैं, ठीक है। मिर्थ, दैट इज कॉल्ड मर्थ भी बोल सकते हो या मिर्थ भी बोल सकते हो, MIRTH, जो वर्ड यू याद रहे वो लिखना, दो दो वर्ड लिखना ही है। इट इज़ द रस ऑफ जॉय, किसी चीज़ का हैप्पीनेस मिल रहा है, ठीक है, मैं हैप्पी हूँ तो आज मैं दिन भर खुश रहूँगी, तो दैट इज़ कॉल्ड हास्यम। तो ये जब आप, पता है, आप जब खुश रहते हो दैट मीन्स आपने पूरे दिन में सत्य बोला है, सच बोला है, इसलिए आप खुश हो। जब आप झूठ बोलोगे आप कभी खुश नहीं रह सकते, ठीक है, ये एक भाव है, ठीक है। तो ये बोला जाता है माया, माया जाल जैसे बोलते हैं ना, जब सत्य के माया जाल पे आप रहोगे तब आप हमेशा खुश रहोगे, जब आप मिथ्या के माया जाल पे रहोगे तब आप दुखी रहोगे। तो ये हो गया हास्यम। अभी देखो रुद्रम, रुद्रम क्या होता है, रुद्र अवतार देखो ना, तांडव कौन करते हैं, शिव जी ना, जब तांडव करते हैं उनके नेत्र से क्या निकलते हैं, नेत्र से क्या निकलेंगे, आग, फायर। तो फायर का कलर क्या है, डीप फायर का कलर क्या आएगा, रेड, गुस्सा, रेड, ठीक है। तो रुद्र अवतार, रुद्र, रेड, जस्ट लाइक कभी अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं हुआ एंड मैं फेल्यूअर हो गई, ठीक है, तब मेरा कोई चीज फुलफिल नहीं हुआ इसलिए मुझे गुस्सा आता है, तो दैट इज कॉल्ड रुद्रम, ठीक है, एंगर, गुस्सा। अभी देखो चौथा भाव में आ गए, करुणा, करुणा मीन्स दया, दया का भाव, ठीक है। जस्ट लाइक मैं किसी को देख के दुखी हो रही हूँ, अरे वो बच्चा खेल नहीं पा रहा है, उसका पैर नहीं है, उसकी मम्मी उसको नहीं देख रही है, मार रही है, या फिर किसी बूढ़ी औरत को पीटा जा रहा है, किसी को मर्डर कर दिया गया, ये सब देख के हम दुखी हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड करुणा, ठीक है। कभी कभी करुणा कब आता पता है, इग्नोरेंस, मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, एंड ये इग्नोर इतना बढ़ गया लास्ट में हम दुखी नहीं होंगे, दुखी के साथ साथ उसको हम इग्नोर, टोटल कंप्लीट इग्नोरेंस कर देंगे, मतलब वो इग्नोर पहले कर रहा था, अभी हम कंप्लीट इग्नोर कर दिए करुणा दिखाते हुए, कि नहीं ठीक है भाई, तुम हमें सपोर्ट नहीं किया, तुम हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो हम भी तुमको इग्नोर करें और नहीं चाहिए, बस ये भी वन काइंड ऑफ करुणा है, ठीक है। अभी देखो फिफ्थ में जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड विभत्सम, विभत्सम, विभत्सम का कलर होता है ब्लू,
विभत्स रूप में धारण किया, मतलब जस्ट लाइक आप सोच भी नहीं सकते ऐसा रूप धारण करना, तो जिसको बोल सकते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन, डिसगस्ट, मतलब ऐसा कि अच्छी कितना गंदा दिख रहा है, ऐसा हम फील करते कभी कभी किसी चीज़ को देख के, तो वो हो गया जस्ट लाइक किसी चीज़ के बारे में बुरा सोच लिया एंड वो बुरा बन गया, बहुत ज़्यादा बुरा बन गया, तो उसको हम बोलते हैं विभत्सम। ठीक है, अभी नेक्स्ट 6 नंबर, जब आप विभत्स बन जाते हैं तो उससे और थोड़ा ऊपर चले जाओ तो भयानकम बन जाओगे, भयानकम डरावना, किसी को डरा देते हो आप। ठीक है, जस्ट लाइक हॉरर मूवीज देखे हो, कभी कभी हॉरर मूवीज देखते देखते पीछे से कोई आके खींच दिया तो आप क्या बोलते हो, उससे ही और ज़्यादा डर जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड भयानकम। ठीक है, फियर, वन काइंड ऑफ फियर। कभी कभी भयानकम जेलसी के वजह से भी आता है, ड्यू टू जेलसी हम भयानकम रूप धारण करते हैं, तो ये भी वन काइंड ऑफ भाव है। फिर आता है 7 नंबर, वीर और करेज, योद्धा, जो भी योद्धा रहते हैं, हम लोग सारे योद्धा हैं जो लड़ रहे हैं अपने करियर के लिए, तो हम वीर भी हैं, करेज भी हैं, और हमें अगर बोला जाए फ्यूचर बिल्ड करने के लिए तो ऑब्वियस हम एज ए टीचर फ्यूचर बिल्ड करेंगे बच्चों का, तो ये भी एक हीरोइक एक्टिविटीज है। हाँ, हम चाहते हैं कि जो हेट्रेडनेस रहता है उसको अवॉइड करके एक वीर एक्टिविटीज को डालना, फियरलेसनेस, हम किसी से डरेंगे नहीं बस। ठीक है, डिटरमिंड रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, परफेक्ट कंट्रोल रहेगा अपने ऊपर, ये बोलते हैं स्वयं कंट्रोल, स्वयं कंट्रोल मतलब आप कितना स्वयं के ऊपर कंट्रोल करते हो वो। फिर नेक्स्ट 8 में आ गया, ठीक है, 8 में आ गए, दैट इज कॉल्ड संस्थान। संस्थान मतलब लास्ट में कोई चीज आप कर रहे हो एंड वो हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्स मिल जाएगा, कामनेस, शांति, सुख मिल जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड संस्थान। कोई चीज, आपका बॉडी कुछ एक्सप्रेस करना चाहता था एंड वो जिस दिन एक्सप्रेस कर दिया आप रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, ये हो गया संस्थान। लास्ट वन, अद्भुतम, अद्भुतम, अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग, अमेजमेंट, वंडर, इसका कलर होता है येल्लो। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स के पास ना बहुत सारी चीज होते हैं सोचने के लिए, भाव के लिए, कोई चीज़ वो ट्राई करा बहुत टाइम एंड हो गया, बाय चांस में एक्सीडेंटली उससे हो गया, तो दैट इज वो अमेज्ड हो जाता है, अद्भुतम। ठीक है, तो इसको हम एक एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन बोल दिया। समझ आया?